दिल्ली में डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन सबक लेता नजर नहीं आ रहा है। वाराणसी में जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए प्रशासन ने बिना किसी जांच के 450 से अधिक डिलीवरी बॉय लगा दिया, जिसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन वाराणसी प्रशासन इसे इस्तेफाक नहीं रखता। बता दें कि वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की भी दुकानों को प्रशासन ने बंद कर दिया है और होम डिलीवरी के जरिए ही वस्तुओं की सप्लाई कराई जा रही है। वहीं एडीएम आपूर्ति नलिनी कांत सिंह का कहना है कि आगे सभी डिलीवरी बॉय की जांच करा ली जाएगी। जो लोग होम डिलीवरी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो लोग आ रहे हैं पास बनवाने के लिए और जो जाएंगे होम डिलीवरी करने के लिए, तो क्या उनको जो है प्रशासन द्वारा कोई जांच वगैरह नहीं करवाई जा रही है कोरोना की? नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी अभी जांच कराई जा रही है, लेकिन भविष्य में हम लोग इन लोगों को भी जांच कराएंगे। भविष्य में अगर इस पर विचार किया जाएगा। इस पर होम डिलीवरी के पास पहले भी बनाए जाते थे और अब भी बनाए जा रहे हैं। इधर विगत 3 दिनों में हम लोगों ने करीब 450 पास बना लिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोगों ने एक जो सप्लाई मित्रा को जो गवर्नमेंट ने जो लॉस किया है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो सप्लाई मित्रा -up.com पे कोई आदमी अगर सर्च करेगा तो इसमें उसको करीब 461 दुकानों के नाम मोहल्लेवार मिलेंगे और उन मोहल्लेवार नामों से छांट के अपने लोगों से वो सामान मंगा सकते हैं, या इसके पहले भी जो डिलीवरी की जो दुकानें हैं वहाँ भी फ़ोन करके मंगा सकते हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि सारे के सारे यहाँ लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों से ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाए ताकि लोगों को होम डिलीवरी आराम से घर पे मिल सके। अभी तक सर ये देखा गया है कि जो पहले भी जो था जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके नंबर अभी तक के नंबर से स्विच ऑफ आ रहे हैं? नहीं, जो जिन लोगों के स्विच ऑफ हैं या जो लोग इन लोगों से काम नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग इस ग्रुप से निकालते जा रहे हैं और नए लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। ये हमेशा ये व्यवस्था चलती रह रही है और लोग यहाँ के थोड़ा यूज्ड टू नहीं है, इसका लोगों को अभ्यास नहीं है, दुकानदारों को भी थोड़ा कम अभ्यास है, यहाँ के लोग भी बहुत यूज्ड टू नहीं है। और लेकिन ये व्यवस्था जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे वैसे निरंतर सुधरती चली जाएगी। बता दें कि वाराणसी में पिछले 4 दिनों से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। शनिवार को जिले में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।